Hello students, welcome back to our channel. This is Rajesh and today I am teaching mathematics for class 6. So let's start. Exercise 1G, question number 1st. Estimate first, then name the sum or difference. Use your estimate to check your work. Question number 1st. Estimate first. सबसे पहले estimate करिए, then name the sum or difference. उसके बाद बताइए कि वो sum है या difference है. Use your estimate to check your work. और अपने काम को check करने के लिए estimation का use करिए. First one is 41 plus 37. देखिए इसको सबसे पहले आप क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे 41 को. आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो 41 को? आप क्या एस्टिमेट कर सकते हो? मैंने बताया कि जब टेंथ प्लेस पे जो है इसको एस्टिमेट करना है, 41 को एस्टिमेट करना है, तो आप किसको एस्टिमेट करोगे? 44 को एस्टिमेट करोगे टेंथ प्लेस को. तो इसके वर्क को चेक करते हैं, ये 5 या लेस देन 5 है तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को 0 कर देते हैं, बाकी टेंथ प्लेस में टेंथ प्लेस को सेम रखते हैं. अगर वो 15 या मोर देन 5 है तब टेंथ प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं. ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 41 को आफ्टर एस्टिमेशन आपका 40 हो जाएगा एंड देन 37 क्या हो जाएगा, 7 मोर देन 5 है तो 10 प्लेस में 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 और 1 को 0 कर देंगे. तो 40 प्लस 40 आफ्टर एस्टिमेशन इट विल बी 80. ओके, सेकंड पार्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे आप, 428 प्लस 61 प्लस 61. तो देखिए 428 को 10 प्लस तक अगर राउंड करेंगे तो ये क्या होगा, 8 है या 2 की जगह 3 हो जाएगा, ये 0. 430 प्लस 60 इक्वल टू ये हो जाएगा 490. अब एक चीज, 400 को जब दिया नहीं था कि स्टेशन टेंथ करना है या 100 करना है तो क्यों मैंने टेंथ ही राउंड किया, इसके पीछे लॉजिक है कि जो 61 है आपका इसको आप एस्टिमेट करोगे तो मैक्सिमम प्लेस वैल्यू इसका क्या है, 6 का है, टेंथ प्लेस का है, तो आप इसको राउंड टू 10 करोगे. तो जब एक को राउंड टू 10 करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरे को भी राउंड टू 10 ही करेंगे, राउंड टू 100 इसको नहीं कर सकते. ओके, तो इट विल बी 490. सिमिलरली आप कोई भी टेंथ बता देना हूं आपको, ये सेकंड था क्वेश्चन नंबर 10. 55,662 माइनस 3,464. देखिए इसमें मैक्सिमम प्लेस वैल्यू इस वाले का छोटे वाले का कितना है, 1000 है, तो 1000 राउंड ऑफ कर देंगे. 1000 राउंड ऑफ करने के लिए किसको चेक करना होता है, 100 को. 100 यहाँ पे 4 है आफ्टर एस्टिमेशन, सम में लिख लो आफ्टर एस्टिमेशन 55,662 को राउंड टू 1000 करेंगे तो क्या होगा, राउंड टू 1000 इसको राउंड करना है तो 100 चेक करेंगे, ये 5 या 5 से ज्यादा है तो 1000 पे 1 ऐड हो जाएगा, दैट मींस ये 56000 हो जाएगा. ओके, माइनस या फिर 3400 समथिंग है तो 400 को चेक करेंगे, 5 से कम है, 500 से कम है तो ये सिंपली 3000 रहेगा.
अब 56,000 में से 3,000 माइनस कर दो, दैट विल बी 53,000 एंड इट इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट बी, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ दिस। बी पार्ट, ये पार्ट ए था, ए, अब पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करना है, चूज द करेक्ट आंसर टू ईच ऑफ दिस, राउंडिंग ऑफ विल हेल्प यू, राउंड ऑफ करना है। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, 1678 प्लस 2051 प्लस 1356। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, करेक्ट आंसर चूज करना है। तो ये सारे थाउजेंड है, 1000, 2000, 1000, सीधे सीधे 1000 राउंड ऑफ अगर हम कर दे तो क्या होगा, 1600 है, 100 को चेक करेंगे, ये मोर देन 5 है, तो इससे भी 2000 लिख लेंगे एंड यहाँ पे 100 की जगह 0 है तो ये 2000 ही होगा, प्लस 1300 है, 100 लेस देन 500 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 को 1 ही रहने देंगे, बाकी सब को 100 टेंस और 1 को 0 कर देंगे। अब ये कितना आ गया, 2241 5000। ओके, अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 1835, यहाँ पे इसके लिए तीन ऑप्शन दिया हुआ है, 1835, नेक्स्ट 3015 एंड थर्ड वन इज 5085। अब ये तीन ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है, बिना कैलकुलेशन के बताना है राउंडिंग ऑफ करके, तो सिंपली 2000 2000 4000 1000 5000, दैट मींस 5000 वाला जो ऑप्शन है 5085 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ पार्ट बी, सेकंड क्वेश्चन 6995 माइनस 3068, इसके लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है, तीन ऑप्शन, 3927 1927 एंड 2927। अब देखिए जब इसे राउंड ऑफ करोगे तो 6900 है, ये 7000 हो जाएगा माइनस ये 3000, तो कितना आया, 4000। अब इसमें देखो जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें चेक करो कि 4000 कहाँ है, 3900 है, तो जब राउंड ऑफ करेंगे 3900 को ऑब्वियसली ये 4000 हो जाएगा, तो 3927 दिस आंसर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, 2008 × 3 एंड द ऑप्शन आर 5048 4048 and 6024। क्या करोगे, 2008 को राउंड अप करोगे तो ये सिंपली 2000 हो जाएगा, आफ्टर एस्टिमेशन आप हर जगह लिखोगे, आफ्टर एस्टिमेशन इंटू थ्री, ये कितना आएगा 6000, मतलब 6000 के अप्रॉक्स उसकी कोई वैल्यू आनी चाहिए, तो यहां देखो क्या 5048 है, राउंड अप करने के बाद 5000 हो जाएगा, 4048 राउंड अप के बाद 4000 एंड सर इज 6024, तो यही इसके नियरेस्ट वैल्यू है, दैट मींस 6024 इज करेक्ट ऑप्शन। ओके,
सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर फोर करोगे 5898 क्वेश्चन फोर 5898 डिवाइडेड बाय 3 एंड ऑप्शन आर 1966 एंड 2966 ये तीन ऑप्शन है। देखो 5898 को सिंपली आप जब एस्टिमेट करोगे तो ये 6000 हो जाएगा एंड इसे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2000। तो हम देखेंगे 2000 इसमें कहां है, तो एग्जैक्ट 2000 को कहीं नहीं लिखा है। अब एस्टिमेट कर लेंगे 1900 को एस्टिमेट करेंगे तो 2000 आएगा, 1066 को एस्टिमेट करेंगे तो 1000 आएगा एंड 2966 को एस्टिमेट करेंगे तो 3000 किसके आसपास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2000 एस्टिमेशन के बाद होना चाहिए, तो 1966 दैट मीन दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इन दिस वे एक्सरसाइज 1G इज ओवर। Next exercise, 1H, I teach you in next video. Till then, thank you. Have a nice day.